सुबह की शुरुआत होती है मोटा भाई के घर जाने से, लेकिन ये कंपाइन मेरे रास्ते में अवरोध बनकर खड़ी थी। इस कंपाइन के खेत में सटकते ही मैं भी सटक कर पहुँच गई चाट कॉर्नर पर। यहाँ मोटा भाई और बुद्धदेव पहले से ही तैनात थे, इसलिए हमने बुद्धदेव के पैसे खर्च करवा लिए। हमारा मन यही नहीं रुकता, इसलिए हम गन्ने का जूस भी ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन मोटा भाई अपनी कंजूसी के कारण गन्ने का जूस पीने से मना कर देते हैं। फिर हम इस कंजूस को अपने पैसे से ही जूस पिला देते हैं। मैं भी बुद्धदेव की धनराशि को खर्च करके एक गिलास गन्ने का जूस पी लेती हूँ। फिर अपनी मंडली को लेकर चल देती हूँ मोटा भाई के घर की ओर। और यहाँ मोटा भाई ने अपना घर इतनी गुप्त जगह पे बनाया है कि हमें इतने सारे गेहूं का सामना करना पड़ता है। घर पहुँचते ये हमें खिलाता है पपीता, लेकिन इससे हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हम मंगा लेते हैं मोमोज और समोसे। और मैं समोसों को फटाफट खाने लगती हूँ, क्योंकि पैसे तो मेरे गए हैं ना। फिर मैं अपने पिछले मिनी व्लॉग के कमेंट्स को पढ़ के हंसने लगती हूँ, साथ ही साथ मोटा भाई और बुद्धदेव को स्नैपचैट के माध्यम से सुंदर बना देती हूँ।